हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवन ट्यूटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेवियर कॉलेज रांची के इंटरमीडिएट सेक्शन के सेकेंड प्रोविजनल लिस्ट के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जेवियर का इंटरमीडिएट सेक्शन का जो ऑनलाइन एडमिशन है वह स्टार्ट हो चुका है। इस बार दोस्तों आपका इंटरमीडिएट सेक्शन का ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है, ना कि ऑफलाइन। पर दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा है कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है, बहुत लोगों को बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने वीडियो के माध्यम से कल दो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने वीडियो के माध्यम से बता दिया था स्टेप बाय स्टेप आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं उससे पहले क्लियर कर दूं दोस्तों कि आपका सेकंड कट ऑफ लिस्ट आएगा तो भी आप लोग सुनिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्स से आपको ओरिजिनल या फिर सर्टिफाइड जो है वही करना पड़ेगा। यहाँ डायरेक्टली लिखा गया है दोस्तों कि जब आप ऑनलाइन मतलब कि अपलोड कर दोगे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपका है, ये सारा डॉक्यूमेंट जो है, उसके बाद में जब आपका कॉलेज खुल जाएगा तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉलेज में बुलाया जाएगा, मतलब कि ऑफिस डिपार्टमेंट में बुलाया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, यू विल बी आस्क्ड टू सबमिट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन इन द कॉलेज ऑफिस आफ्टर वर्ड्स विच विल बी कम्युनिकेटेड टू यू लेटर ऑन। ठीक है दोस्तों, तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जमा लिया जाएगा जो भी आपका मार्कशीट है, SLC है, CLC है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। और दोस्तों अगर किसी भी तरह का अगर डेटा आपने गलत प्रोवाइड किया है तो डिसक्वालीफाइड ऑटोमेटिकली कर दिए जाओगे, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि सेकेंड कट ऑफ लिस्ट यानी कि प्रोविजनल लिस्ट कब आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मालूम है 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक में फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट वालों का एडमिशन स्टार्ट है। इस बार जो एडमिशन है वह ऑनलाइन हो रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि 17 अगस्त को लास्ट डेट है, तो 17 अगस्त को जो लास्ट डेट है दोस्तों, उसको उसके एक वीक के बाद में आपका इंटरमीडिएट सेक्शन का सेकेंड प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगा। हालांकि दोस्तों कट ऑफ लिस्ट रिलीज नहीं किया जाता है, जैसा कि आप लोग यहां पे भी देख सकते हो, कॉलेज मतलब कि कभी कट ऑफ रिलीज नहीं करती है यहाँ पे जेवियर का, यहाँ प्रोविजनल लिस्ट मतलब जो जारी किया जाता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं मतलब जो प्रोविजनल लिस्ट होता है दोस्तों वह कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो यहाँ देख सकते हैं हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन द मेरिट बेसिस एंड द मार्क्स ऑब्टेंड इन 10th क्लास। तो आपका जो 10th क्लास में जो दोस्तों मार्क्स आता है उसी के बेसिस पे आपका प्रोविजनल लिस्ट आपको तय किया जाता है। मेरिट लिस्ट यानी कि कट ऑफ लिस्ट नहीं तैयार किया जाता है कि आपका 95 कट ऑफ रखा गया है साइंस का, कॉमर्स का या आर्ट्स का 65 रखा गया है, ऐसे में ऐसा नहीं रखा जाता। डायरेक्टली आपका जो 10th में मेरिट वाइज आया है, 10th में मार्क्स आया है, उसी के आधार पर आपका प्रोविजनल लिस्ट निकाला जाता है, उसके बाद में आपका एडमिशन होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रोसेस क्या होता है सेकेंड ये प्रोविजनल लिस्ट का। तो फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट का एडमिशन हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद में सेकेंड लिस्ट आएगा, मतलब कि 17 तारीख से लेकर एक वीक के अंदर में आपका सेकेंड लिस्ट आ जाएगा, उसके बाद में आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को दोस्तों आप लोग रेडी रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स आते हैं जिसमें से बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरा मतलब मार्कशीट नहीं है या फिर माइग्रेशन नहीं आया, CLC नहीं है तो क्या करूँ। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को 1 से लेकर 9 तक अगर आप इसमें से जो भी अप्लीकेबल हैं, जो अप्लीकेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 से लेकर 9 तक का सारा जो डॉक्यूमेंट्स है आपको मतलब अच्छे से मतलब अरेंज करके रखना है कि जब आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़े तो किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आए। इन बातों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे भी देख सकते हैं सारा प्रोसेस यहाँ यही सेम प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो 17 तारीख के बाद में आपका सेकेंड प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स।